स्वास्थ्य दो तीन दिन पहले चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी 1660 के रिगार्डिंग। अब ये वाले कार्ड को मैंने 12,000 रुपये में परचेस किया था ओएलएक्स के थ्रू। एंड अगर आप ये वाला वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं इधर आई बटन में डाल दूंगा, जाके देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है मैंने मेरे फ्रेंड के लिए परचेस किया था, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग एंड गेमिंग के लिए एक पीसी बिल्ड करना था बजट में रहकर। सो आज वो वाला पीसी हम इसी वीडियो बनाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं विवेक एंड आप देख रहे हो हमारा टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको मुक्का मुक्का मार के तोड़ दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पर रख देना ताकि इस तरह की वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहे। अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, अगर आप लोगों में से किसी को भी पीसी बिल्ड करवाना है, फिर चाहे वो गेमिंग पीसी हो, स्ट्रीमिंग पीसी हो या फिर एडिटिंग पीसी हो, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। आईडी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके मैसेज करो ताकि आपके घर पे भी एक मस्त ऐसा चमचमाता हुआ पीसी पहुंच पाए। सो पार्ट्स की बात करें तो गाइस, प्रोसेसर के लिए यहां पे मैंने यूज़ किया है एएमडी की तरफ से आने वाला उनका राइजन 5 3600, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीपीयू, एक ऑलराउंडर सीपीयू आप इसको कह सकते हो। हालांकि अभी थोड़ा सा ओवरप्राइस्ड बिक रहा है, बट हो सकता है यार आने वाले टाइम में आपको ये वाला सीपीयू पहले जैसी प्राइसेस पे देखने मिलने लगे, बिकॉज जो अभी इंटेल की 12th जनरेशन है वो भी आने वाली है। तो इस वजह से हो सकता है एएमडी अपने पहले वाले सीपीयू के प्राइसेस कम करे, क्योंकि यार इंटेल 12th जनरेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो मेक श्योर कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब ये जो सीपीयू, ये एक हेक्सा कोर सीपीयू, यहाँ पे आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, थोड़ा सा हॉट रन करता है। एंड आप लोगों को पता है यार हमारे इंडिया में गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही होती है, तो अगर आप इसको फुल पोटेंशियल पे यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार 1200 वाला जो डीप कूल का गेमएक्स 400 आफ्टर मार्केट कूलर आता है ना, ऐसा कोई एक आफ्टर मार्केट कूलर यूज़ करो, ताकि यार ये अपनी बूस्ट क्लॉक्स को ईजिली अचीव कर पाए एंड आप इसका फुल पोटेंशियल निकाल पाओ। बट अगर आप लोगों का बजट कम है तो इसके साथ जो स्टॉक कूलर आता है उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हो। एंड मदरबोर्ड के लिए गाइस, यहां पे हमने वही सस्ता सुंदर टिकाऊ मदरबोर्ड यूज किया है जो कि ज्यादातर लोग यार आजकल डिमांड करते हैं। मतलब मैं जितना भी ज्यादातर पीसी बिल्ड बनाता हूं एएमडी बेस, एंड जो बजट पीसी होता है उसमें ज्यादातर लोग यार यही वाला मदरबोर्ड डिमांड करते हैं। यहां पे मैंने यूज किया है ASRock की तरफ से आने वाला उनका B450 स्टील लेजेंड M मदरबोर्ड, जो कि बजट में आ जाता है एंड ARGB हेडर के साथ आता है। एंड आजकल जो ज़्यादातर कैबिनेट आ रहे हैं ना उसमें आपको ARGB पंखे मिलते हैं, तो आराम से आप अपने उन ARGB पंखों को इस वाले मदरबोर्ड में सिंक कर सकते हो एंड कंट्रोल भी कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये शायद सबसे चीपेस्ट मदरबोर्ड है जिसमें आपको ARGB हेडर देखने मिल जाता है। ओवरऑल प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करो तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मदरबोर्ड है। यहाँ पे आपको 4 RAM स्लॉट NVMe SSD का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है, तो ओवरऑल यार एक बढ़िया सा पैकेज है, आप इसको आराम से 8000 के आसपास परचेस कर सकते हो। इसकी लिंक साथ ही साथ में इस वाले बिल्ड में जो भी पार्ट यूज करने वाला हूँ सारे ही पार्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो इनकेस ये वाला पीसी अगर आप खुद बिल्ड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप पार्ट्स जाकर परचेस कर सकते हो। अब GPU के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, GPU यहाँ पे हमने ऑब्वियसली यूज किया है। 12,000 रुपये में हमने 1660 परचेस किया था कुछ टाइम पहले, तो वही वाला GPU यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। एंड 6GB की VRAM मिल जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे काम के लिए तो यार ओवरकिल हो जाएगा, बट गेमिंग करनी है तो यार गेमिंग करने के लिए आराम से 1080p अल्ट्रा टू हाई सेटिंग्स पे ज़्यादातर गेम्स में मेरा दोस्त इजीली 60fps पे खेल पाएगा एंड उसको यार कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका एक्सपीरियंस भी यार मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब रैम की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास XPG का 2 RGB रैम पड़ा था, फिलहाल मैंने यही वाला रैम यूज़ कर लिया है। बाकी अगर आप लोग चाहो, अगर आपका बजट कम है तो आप यार non-RGB स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एनटेक की 8 GB की 2 RGB स्टिक यूज़ की है जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 10,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपका बजट कम है तो आप 3,350 में भी रैम परचेस करके 8 GB अपना काम चला सकते हो। एंड हाँ, स्टोरेज के लिए यहाँ पे मैंने 240 GB की SSD ए डेटा की एंड साथ ही साथ में मैंने 1 TB की हार्ड ड्राइव लगाई है। इतना यार मोर देन इनफ रहने वाला है उसके लिए, बाद में अगर अपग्रेड करना हो तो आराम से हार्ड ड्राइव या फिर SSD भी ऐड कर सकता है। एंड इस पूरे बिल्ड को पावर अप करने के लिए यहाँ पे हमने 550W का PSU यूज किया है कूलर मास्टर का, जो कि 5 साल की वारंटी के साथ आता है, ब्रीडेड केबल्स आते हैं। साथ ही साथ में ये वाला PSU 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU है, काफी ज्यादा बढ़िया PSU है। एंड ये वाला जो बिल्ड बना रहे उसके लिए यार मोर देन इनफ रहेगा, फ्यूचर में अगर GPU या फिर CPU अपग्रेड भी करेगा ना भाई तो भी यार इस वाले PSU को उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसी वाले PSU से उसका इजीली काम चल जाएगा। एंड एट दी एंड गाइस, कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एनटेक का DF600 कैबिनेट, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा लुक्स वाइज भी ठीक कैबिनेट है, एयर फ्लो भी ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है बिकॉज फ्रंट में यहाँ पे थोड़ा सा आर्केलिक पैनल है, बट साइड में कटआउट देखने मिल जाते हैं, तो एयर फ्लो का यार टेंशन नहीं है, मतलब बढ़िया एयर फ्लो है। एंड उसके बाद अगर अदर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे PSU श्राउड, टेम्पर्ड ग्लास, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, एंड ऊपर अगर आप चाहो तो आराम से अपने
AIOs भी लगा सकते हो, तो ओवरऑल भरपूर फीचर्स के साथ आपको मिल जाता है एंड साथ ही साथ में प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 5000 से लेके 5500 के आसपास मिल जाएगा। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, इंटरेस्टेड हो तो जाके परचेस कर सकते हो। अब एट दी एंड आप लोगों में से काफी सारे जन सोच रहे होंगे कि यार ये वाले पीसी का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट की बात करें तो ये वाला जो पीसी है 58,000 से लेके 60,000 के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट बैठी है एंड मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे भी यार ये 60,000 रुपये में काफी ज्यादा बेहतरीन पीसी है, बिकॉज ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस अगर आप देखो ना, खाली अगर आप अकेले 1660 नया परचेस करने जाते हो तो वो वाला खाली कार्ड आपको 40,000 से 45,000 में मिल जाता है, तो बाकी यार आप बाकी की चीजें कहां से लगाते। तो इसके लिए यहां पे हमने यूज्ड ग्राफिक कार्ड कंसीडर किया एंड परफॉर्मेंस की बात, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था, परफॉर्मेंस भी आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाऊंगा बेंचमार्क के थ्रू एंड साथ ही साथ में उससे पहले अगर कोई पीसी बिल्ड करवाना है तो मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम आईडी पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ में यहां पे भी फ्लैश हो रही होगी आईडी जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो में, मैं वेक मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ यार बेंचमार्क देख के जाना। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. We will rise up and